तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह Xiaomi या तो Redmi का फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये न्यूज़ आपको काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक रिसर्चर जिनका नाम है गैबी क्रिलिक, उन्होंने Xiaomi पे एक एलिगेशन लगाया है जिसके मुताबिक Xiaomi आपके सारे डेटा को अपने MI ब्राउज़र पे, जो भी आप ब्राउज़ करते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेकर आप कितने पेजेस पे विजिट किए हैं, आपके नेट की स्पीड क्या है, सारे डेटा को ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपने सर्वर्स पे जो कि बेंजिंग में रजिस्टर्ड है। तो क्या सच में Xiaomi आपके सारे डेटा को अपने रिमोट सर्वर्स पे ट्रांसमिट कर रहा है और साथ ही आपके डेटा को स्टोर कर रहा है? और अगर Xiaomi ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और Xiaomi के इस बात पे क्या कहना है और मेरी क्या राय है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Xiaomi के कुछ प्रीलोडेड ऐप्स, जैसे कि मेनली तो तीन ही है, MI ब्राउजर, MI ब्राउजर प्रो और मिंट ब्राउजर, आपके वेब हिस्ट्री मतलब कि जितना भी वेब पेजेस आपने विजिट किया है और क्या आपने उस वेब पेजेस पे चलाया है, आपकी नेट की स्पीड क्या रही है, आपने क्या डाउनलोड किया है, क्या अपलोड किया है, सारी हिस्ट्री और साथ ही अपने इकोग्निशन मोड में क्या चलाया है, ये सारे डेटा को Xiaomi अपने सर्वर्स पे एनालिसिस के लिए भेज रहा था। और साथ ही जब Xiaomi से ये बात पूछी गई तो Xiaomi ने पहले डिनाई कर दिया इस बात को और बोला कि वो बस एनोनिमस ब्राउजिंग डेटा, मतलब कि जिस डेटा पर उनको थोड़ा बहुत डाउट है उसी डेटा को ऐसा करके स्टोर कर रहे थे और किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ शेयर नहीं कर रहे थे। पर जब सिक्योरिटी रिसर्चर्स जिनका नाम है कैबी गिरलिक, उन्होंने खुद के Xiaomi के Redmi Note 8 Pro के उन्होंने सारे डिवाइसेस को देखा कि वो जो भी चीज़ चला रहे हैं, जैसे कि अपने फोल्डर्स को ओपन कर रहे हैं, स्क्रीन को स्वाइप कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बार को स्लाइड कर रहे हैं और जो भी सेटिंग्स में जो भी ब्राउज कर रहे हैं, डायल पैड में जो भी टाइप कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलीबाबा होस्टेड रिमोट सर्वर्स पे खुद ब खुद ट्रांसफर हो जा रही है, जो कि आपका सिंगापुर और रशिया में लोकेटेड है और जहाँ पे आपके Xiaomi के हेडक्वार्टर्स भी हैं। और जो रिसर्चर है उन्होंने पाया कि जो ये सिक्योरिटी फ्लॉ है ये सिर्फ Redmi Note 8 तक ही लिमिटेड नहीं है, ये Xiaomi के और भी डिवाइसेज में है, जैसे कि MI 10, Redmi K20 और Mi Mix 3। और ये जो आता है किस प्रकार से ये सिक्योरिटी फ्लॉ, ये जो है ना इनका MI ब्राउजर और MI ब्राउजर प्रो जो कि आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसी के थ्रू Xiaomi आपके सारे डेटा को भेज रहा था रिमोट सर्वर्स पे। और दोस्तों, अमेजिंग बात तो ये है ना कि ये जो ब्राउजर है ये बहुत पहले से ही Xiaomi के डिवाइसेज में आ रहा है, वो भी प्रीलोडेड। और साथ ही एक अमेजिंग बात और भी है कि ये 50 मिलियन से ऊपर डाउनलोड हो चुका है लोगों के स्मार्टफोन में। तो सोचिए कितने लोग का डेटा ट्रांसपोर्ट हो गया होगा। और Xiaomi का ये कहना है कि Xiaomi इस डेटा को जो भी स्टोर कर रहा है और सेंड कर रहा है, वो इसको यूजर्स के पैटर्न के बारे में, मतलब कि यूजर क्या ब्राउज करते हैं, क्या चलाते हैं, उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें वो एनालिटिक्स के लिए वो स्टोर कर रहा है। Xiaomi ने ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रखी है बिहेवियर एनालिटिक्स के साथ, जिससे कि Xiaomi का जो ऐप है वो MI ब्राउजर वो इनको डेटा भेजता है। और रिसेंटली जो किरलिग हैं इन्होंने भी यही सेम बात कही थी कि इसके डोमेन्स को डेटा भेजा जा रहा है Xiaomi ब्राउजर के थ्रू। और ये सारा जो इशू था ये फोर्ब्स की वेबसाइट में आया था और जो Xiaomi है इसने डिनाई कर दिया इस सारी चीज़ से जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने बोली। Xiaomi का कहना है कि वो कोई भी किसी का भी डेटा ना स्टोर करते हैं ना ही किसी को सेंड करते हैं। और Xiaomi की स्पोक्स पर्सन ने फोर्ब्स को ये बात बताई कि सेंसर एनालिटिक्स के साथ उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप है और वो डेटा एनालिसिस के लिए ही सिर्फ एनोनोमस डेटा भेजते हैं, मतलब कि यूज़र की आईडी उसमें नहीं रहती है, बस जो कुछ डेटा रहते हैं उन्हीं को भेजा जाता है, थोड़े बड़े डेटा को। और ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि वो सब सारे यूज़र का डेटा भेज रहे हैं। और जितने भी एलिगेशन इन रिसर्चर्स ने Xiaomi पे लगाए इन सभी को इन्होंने प्रूव करके दिखाया और इन्होंने ये भी कन्फर्म करके दिखा दिया कि जितने भी डेटा हैं इन्हें अलीबाबा होस्टेड वेब सर्विस पे भेजा जा रहा है। पर Xiaomi इस बात को मान नहीं रहा है और Xiaomi ने इस बात को डिनाई कर दिया कि वो किसी भी यूज़र का डेटा को ऐसे करके स्टोर कर रहा है या किसी को ट्रांसमिट कर रहा है। Xiaomi का तो ये कहना है कि Xiaomi सिर्फ एनोनिमस डेटा को ही सिर्फ स्टोर करता है, वो भी सेंसर एनालिटिक्स को भेजता है सिर्फ यूज़र्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। पर एक तरह से देखा जाए तो Xiaomi ने किसी भी चीज़ को ढंग से क्लेरिफाई नहीं किया और बातों को इधर उधर घुमा फिरा के ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि Xiaomi आपके डेटा को किसी भी वेब सर्वर पे भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है? और जहाँ तक मुझे लगता है कि Xiaomi के जो डिवाइसेज हैं वह काफ़ी चीप और काफ़ी सस्ते में आते हैं, तो Xiaomi के पास कोई अर्निंग का तो ऑप्शन नहीं बचता है। तो एक तरह से Xiaomi आपके डेटा को बेच के भी अर्निंग कर सकता है, ऐसा हो सकता है, पर इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि यह सही हो सकता है बात। और जहाँ तक रिसर्चर्स ने ऐप्स बताए हैं तो वो तीन ऐप्स हैं, MI ब्राउज़र, MI ब्राउज़र प्रो और मिंट ब्राउज़र। और साथ ही आपको और भी किसी Xiaomi के ब्राउज़र पे शक हो, किसी ऐप पे डाउट हो, तो आप उसे मत यूज़ करिए, आप उसके जगह अल्टरनेटिव यूज़ करिए जो कि कोई अच्छा ऐप हो उसे यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर ये सच में आपके डेटा को भेज रहे हैं सर्वर्स पे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, साथ ही आप भी इस पे अपना राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।